अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉलकॉम की फ्लैशिंग कौन से टूल के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट है, यूएमटी। ओप्पो का, अगर ओप्पो के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे कल हमने एमटीके के लिए देखा था, आईएमईआई के लिए देखा था, तो उसके लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा बेस्ट है? एमआरटी। क्योंकि हमने देखा था किसी भी टूल से नहीं हो रहा था, पर किससे हो गया था? एमआरटी से। तो दिखाइए यहाँ पर, ये ऐसे आ जाता है, फोन मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है। ये जो अपना ऑप्शन हमारी हाइट थी, ये डार्क हो गई है, अभी हम नेक्स्ट, मतलब ये निकल गया है यहाँ पर, एफआरपी हमारे कंप्लीट। अच्छा, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हो, चलिए ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं, ये हमारा 28 मार्च का बैच है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर का एक अपडेट डालना था, बहुत दिनों से एक सॉफ्टवेयर पे वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा बना लूं, एक वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ सॉफ्टवेयर पे इसी बैच के साथ, जिसमें हम एमआरटी के साथ टेस्ट पॉइंट से एफआरपी हटाएंगे लेटेस्ट सिक्योरिटी का, सो ये हम लेके आएंगे और ये आपको देखने मिलेगा एक हफ्ते के अंदर। सो इसी के साथ में, नए जुनून के साथ में, जाते जाते आपको एक साथ बोलना चाहूंगा कि अभी तक और आगे भी रहेगा, क्या रहेगा, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में यहाँ पर मेरा 28 मार्च का बैच और ये सॉफ्टवेयर क्लास चल रही है यहाँ पर, यहाँ पे हमारे साथ भी स्टूडेंट है जेएन के, आप ये बताओ आपका नाम क्या है? कुलविंदर सिंह। आज आप क्या बताने वाले हो? तो मेरे पास फोन आया, ये ओप्पो का, सो इसमें क्या दिखा रहे हो? एफआरपी लगी हुई है, दिखाओ जरा, इसमें ये नेक्स्ट का ऑप्शन, स्किप का ऑप्शन जो रहता है, ये हिडन है, ये हिडन है, तो हम इसकी एफआरपी निकालेंगे। किस किस टूल से आप बताओगे इनको? मिरेकल से, यूएमटी से, एमआरटी से, मैं तीनों में बता दूं। ये आपको, आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, अगर वेरी गुड, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सॉफ्टवेयर में कितनी क्लास अटेंड हो गई आपकी? क्या क्या अटेंड किया आपने? दो दिन में एमटीके और अपना मैंने तकरीबन कंप्लीट हो गया। एमटीके और कॉलकॉम, जैसे मैं यहाँ पर बैठा, अब आपका नाम क्या है? सर सरजीत सिंह। आप ये बताओ कि एमटीके में फ्लैश फाइल कौन सी मिलेगी? सर डॉट स्कैटर फाइल। और अगर उसके साथ टूल कौन सा आएगा? सर उसके साथ टूल एसपीडी, एसपीडी जो एसपी फ्लैश टूल आएगा, उसमें कौन से दो वर्जन आएंगे? सर V3 और V5। अगर उसमें मैं कौन से मोड में कनेक्ट करते हैं हम उसको? सर फ्लैश, फ्लैश। एक मोबाइल में कितने मोड होते हैं बताइए? दो मोड होते हैं, एक कौन सा मोड होता है और एक दूसरा मोड कौन सा होता है? अगर एंड्रॉइड में कितने मोड होते हैं? कौन कौन से? एडीबी और फास्टबूट। कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आपने दो दिन में ही सीख लिया है? ठीक है, अभी हम और देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दो दिन की क्लास अभी तो बहुत बचा हुआ है। मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि जो ड्राइवर आपको पूरा आते हैं एमडीके में आईएमईआई रिपेयर करने के लिए आया, जो कि गलत नहीं करना है, सही करना है हमेशा, काम बन जाएगा आपको? आईएमईआई अगर एफआरपी निकालने के लिए कोई सेट आता है तो बन जाएगा? ठीक है, चलिए आप बताइए, शुरू कीजिए यहाँ पर। सो सबसे पहले आप किस टूल के साथ बताएंगे? अच्छा, इस फोन में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है? सर इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा। तो इसके जानने के कितने तरीके हैं? सर इसके जानने के 3-4 तरीके हैं मेरे। तो आपको पता है, मतलब किसी भी फोन को आप बिना खोले बता सकते हो? बता सकते हैं सर, ठीक है, फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी भी है। बिल्कुल सर, उसके बिना मैं जा नहीं सकता, कहाँ जाना, मुझे मेरे रास्ते नहीं पता, रास्ते नहीं पता कि किस टूल को मैं कौन सा ऑप्शन में कनेक्ट करना है। सो अभी यहाँ पे इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है, सो इसमें कौन कौन सा आप बताओगे? सबसे पहले कौन सा बता रहे हैं? मैं सर आपको मिरेकल में बताने लगा। बताइए मिरेकल में सर, आप मिरेकल, हाँ बताइए। मिरेकल में बता रहा हूँ, मैंने मिरेकल का इंटरफेस खोला, हाँ ठीक है, और इसमें सबसे पहले मुझे अपना, मैंने सीपीयू फाइंड किया था, तो ये क्वालकॉम है, हाँ इसके क्वालकॉम में ही जाऊंगा, ठीक है सर, ये क्वालकॉम आ गया, ये जैसे आ गया तो ये क्वालकॉम आ गया, ठीक है, इसमें अभी मुझे एफआरपी हटानी है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा में जाऊंगा, ठीक है, और इसमें सर ये काफी मॉडल्स दिए होते हैं, ठीक है, इसमें ओप्पो अनलॉक अकाउंट भी है, लेकिन सबसे पहले मुझे इसकी पोर्ट सिलेक्शन करनी है सर, ठीक है, हमें इसमें पहले ईडीएल मोड पे लेके जाना पड़ेगा फोन को, जो कि वॉल्यूम प्लस और माइनस से जाएगा। और अगर उससे नहीं आया तो सर, उस अगर इसलिए तीन वे है मेरे पास सर, अगर इसमें वॉल्यूम प्लस माइनस से नहीं जाता तो फिर सेकंड वे हमारे पास ईडीएल केबल है, अगर उससे नहीं जाएगा तो थर्ड हम टेस्ट पॉइंट से भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो हम ट्राई करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम अप डाउन से। ये डिवाइस मैंने जब फोन के रख लिया,
ये आ गया, हमारा मोड आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ इधर ये मोड कई लोगों के कनेक्ट नहीं होते हैं, कॉम कनेक्ट नहीं होता है, तो उसको कैसे सेट करोगे? आता है आपको? सर मुझे आता है, साथ में सर ये भी देखना जरूरी होता है उसका कोड भी आता है कि कौन सा मोड क्या कोड है। वही जो 9008 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तो वो भी आपको रिपेयर करना बन जाएगा, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं लेता है। चलिए ठीक है, बताइए अब आगे। सो आप पहले तीनों में बता दीजिए और परफॉर्म फिर मिरेकल से कीजिए। ठीक है हमें सर इसमें मतलब जाने के बाद हमें मिरेकल में अपना क्वालकॉम मोड पे गए, एक्स्ट्रा में गए, और हमें यहाँ पे ब्रांड में पहले तो हम यूनिवर्सल पे चेक कर रहे हैं। स्टिक से दिखाते रहो, ये यूनिवर्सल ब्रांड में हम चेक कर सकते। ठीक है ठीक है, और उसमें हमें कोड देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्सल अगर नहीं लेना, अगर मान लो यूनिवर्सल लेना है, जैसे कई लोग मॉडल लेते हैं, क्यों लेना चाहिए? सर ऐसा है कि पहले तो यूनिवर्सल को चेक कर लीजिए, अगर उसपे नहीं हो रहा आपके बाद में मॉडल वाइज पे आइए, अगर यूनिवर्सल पे नहीं हुआ तो मॉडल वाइज होगा। तो वही तो अगर बूट एरर आईडी दे देगा तो फिर आपको फिर मॉडल वाइज लेना है। ठीक है ठीक है, और ये ऑटो पे रखेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद सर मैं अकाउंट तो बाकी अपन ओप्पो अकाउंट भी नहीं करेंगे। सर ऐसा है कि ये ओप्पो अकाउंट जो है ओप्पो पर्टिकुलर इनकी अपना अकाउंट होता है, ओप्पो अकाउंट जैसे हमारा एमआई अकाउंट होता है ना, वैसे इसमें ओप्पो अकाउंट भी हो सकता है, उसलिए ये दिया गया है। ठीक है, ये हमें अदर में जाके, अदर में हमारा क्वालकॉम में तकरीबन सभी का हो जाएगा, 100% सभी का हो जाता है इसमें। तो एक बार करके देख लो, डन करके देख लो। तो यहाँ पे लोडिंग हो गया, बूट दिखाओ। करने के बाद सिंपली स्टार्ट बटन क्लिक किया मैंने, कहाँ पे बूट हो रहा है दिखाइए। ये देखिए सर, ये इसका सीपीयू आ गया आईडी। ठीक है, ये सीपीयू नंबर आ गया, बाकी ये आपकी आईडी आ रही है, अपना परफॉर्मिंग हो रही है इसकी। तो डन हो चुका है, तो फोन को दिखाइए जरा। ब्रांड एंड मॉडल ऑटोमेटिक ले लिया है। यस सर। तो फोन रीस्टार्ट हो गया क्या? फोन रीस्टार्ट नहीं हुआ, फोन अपना चार्जिंग मोड पे आ गया। तो एक बार इसको चालू कर दो, और यहाँ पर हम एक बार देखेंगे कि फोन का हमारा अकाउंट हटता है कि नहीं हटता, क्योंकि इसके बाद दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि एमआरटी से कैसे हटाए और यूएमटी से कैसे हटाए। एमआरटी में एमटीके का पूरा अपडेट है कि नहीं है आपके पास? ठीक है, यूएमटी में सर इसका बहुत इजी रहता है, सिंगल क्लिक रहेगा ये। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्वालकॉम की फ्लैशिंग कौन से टूल के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट है? यूएमटी। ओप्पो का, अगर ओप्पो के लिए बात कर रहा हूं, जैसे कल हमने एमटीके के लिए देखा था, आईएमईआई के लिए देखा था, तो उसके लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा बेस्ट है? एमआरटी। क्योंकि हमने देखा था किसी भी टूल से नहीं हो रहा था, पर किससे हो गया था? एमआरटी से। तो दिखाइए यहाँ पर, ये ऐसे आ जाता है, फोन मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, ये जो अपना ऑप्शन हमारी हाइट थी ये डार्क हो गई है, अभी हम नेक्स्ट, मतलब ये निकल गया है यहाँ पर, एफआरपी हमारे कंप्लीट, एफआरपी हट गया है, बाईपास। चलो हम इसको दोस्तों लाइव वीडियो ले सकते थे, हमने बहुत पहले भी लाइव वीडियो लिया हुआ है, ये एफआरपी निकल गया। तालियां बजा दीजिए। तो यहाँ पर हमने लाइव वीडियो ले सकते थे, पर लाइव वीडियो इसलिए हम नहीं लेते हैं क्योंकि लाइव वीडियो में बहुत ब्लर आता है और उसमें स्क्रीन दिखाई नहीं देती है, नहीं तो हमने तो ऑलरेडी हम ही है देश के पहले इंस्टीट्यूट जो लाइव वीडियो के साथ अपनी क्लास अटेंड किए। चलिए अब आप बताइए इसमें यूएमटी में कैसे करेंगे और फिर एमआरटी में कैसे करेंगे? यूएमटी में अगर यूएमटी ओपन करेंगे तो यूएमटी कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो हमें इसमें जाना है रीड एंड टूल में, अगर आपने इसकी एफआरपी हटानी है तो रीड एंड टूल में जाना है, और ये आपने कॉमन फंक्शन जो है ना इनमें आप जाके सिर्फ एक छोटा सा ये रीसेट एफआरपी कर दीजिए इस कमांड में, ये सारा एफआरपी आपकी वन क्लिक में हट जाएगी। और अगर फॉर्मेट एफएस भी तो कर सकते हैं? यस सर, फॉर्मेट एफएस भी कर सकते हैं, उसमें हमें अगर किसी फोन में लॉग आया, पैटर्न आया, अगर पैटर्न हमारा एक वे आया हमारे पास रीड करने के लिए, रीड नहीं हुआ, तो आप फॉर्मेट एफएस से भी उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसमें भी आपको कमांड मिल जाएगी रीसेट एफआरपी रीसेट करनी है कि नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक है, ये कौन से मोड पे करना है? ईडीएल मोड पे चलेगा, ईडीएल मोड पे काम करेगा। ठीक है, अच्छा और एमआरटी से बताइए। यस सर, ये हमारा एमआरटी आ गया। ठीक है, इसमें हमें ये क्योंसी टूल में जाना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा एमआरटी कनेक्टेड है कि नहीं है, नहीं तो लोगों को लगेगा हम क्या एक वर्जन चला रहे हैं। ये देखिए, दिखा दीजिए, ये एमआरटी हमारी, ये एमआरटी कनेक्टेड है, ये हमारे यूएमटी कनेक्टेड थी, और ये हमारा जो मिरेकल चला रहे हैं वो क्रैक वर्जन चला रहे हैं 2.82। बताइए, हमें एमआरटी में जाके क्यूसी टूल में जा रहे क्यूसी टूल में क्लिक करके हमें यहाँ पे अपना वही सिस्टम है सर, अपना पहले सबसे पहले ईडीएल कोड बनाना है, ईडीएल कोड लेना है, यहाँ पे कोड सिलेक्ट होगा तो हमें अपना इरेज एफआरपी क्लिक करके स्टार्ट करना है। अगर उसमें प्रोग्राम ले गया तो ठीक है, नहीं तो उसमें बूट फाइल भी देनी आती है। तो बूट फाइल देनी आती है आपको, कहाँ से देते हैं? जैसे एमआरटी में खुद की बूट फाइल है, दिखा दो जरा, खोलो जरा, क्लिक करो। तो ये जो बूट फाइल पड़ी हुई है ये एमआरटी वाले फोल्डर में जाओ डेस्कटॉप पर।
सेटअप के अंदर एमआरटी का डाला हुआ है उसके अंदर बता दीजिए, बता दो भाई, अच्छा है कुछ लोग सीख जाएंगे घर बैठे। क्वालकॉम बूट, तो अगर इनमें से अगर मान लो अपने पास इन वाली और नहीं हुई तो फिर क्या करना है वो आपको पता है? ले सकते हैं, चलिए ठीक है, सो हमें बताया तो यहां से हम एमआरटी से कर सकते हैं। और जो अगर ऑटो पोर्ट में नहीं लिया, ये हटाओ, अगर ऑटो पोर्ट में नहीं लिया तो क्या करना है? पोर्ट ऑटो नहीं लिया तो क्या करना है? पोर्ट सिलेक्ट करेंगे जो कॉम बन रहा होगा और फिर क्या दबाएंगे? बिल्कुल बस, ये भी यूएमडी के जैसे ही है, लेकिन सबसे बेस्ट यूएमडी है, सबसे बेस्ट यूएमडी है। चलिए, इन लोग ने बिल्कुल सही बताया कि नहीं बताया? सही बताया भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात करूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? के और अबके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेट सेट कौन सा था या तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया। दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फील्ड में वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है। मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी भी बोले घास में बोलना है, कहेंगे के लिए बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं। हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो। मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा है हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है स्टूडेंट चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सक लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? I'm also 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.